ऐसी बात बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव को घर के बाहर ही गोली से उड़ा दिया गया, जिसके बाद पत्रकारों ने प्रदर्शन कर अपने वर्ग के लिए सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। लेकिन पत्रकार विमल यादव केस के बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बिहार बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और अश्विनी चौबे ने बिहार की बदहाली और यहाँ शासन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने का आरोप लगाया है। अब जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, चंपारण की विधायक है रश्मि वर्मा, उसने कहा कि मुझे 2 लाख की फिरौती मांगा, यानी महिला विधायक सुरक्षित नहीं अपने को मान रही है, तो जब विधायक महिला सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, हर दिन हत्या होते रहे, उसके बाद भी नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का दौड़ लगाएं, विपक्षी एकता की बात करें। मजाक बना के रखा है चाचा भतीजे की सरकार ने। मुझे लगता है कि आए दिन लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जो वहां हत्या और बड़े पैमाने पर वहां हत्या का दौर लगातार जारी है। मुझे लग रहा है कि अररिया के अंदर जो विमल यादव एक अच्छा पत्रकार, उसके हत्या कर दी गई खुले सरेआम और गोली मार के उसकी हत्या हुई। कुछ समय पूर्व उसके छोटे भाई की हत्या हुई थी। विमल कुमार की हत्या कर दी गई दैनिक जागरण के पत्रकार थे रानीगंज अररिया में, निर्मम हत्या, सुबह सुबह हत्या, और कुछ दिन पहले उनके भाई की हत्या हो गई थी। अपनी भाई की हत्या के एकमात्र गवाही थे, अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, शर्म कीजिए, इस तरह से जो अपराधी खुलेआम बिहार में बेखौफ हो गए हैं, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय बिहार सरकार संरक्षण देने में लगी है, जिसके कारण अपराधी का मनोबल बढ़ा है और हत्या की घटनाएं लगातार प्रत्येक दिन खुलेआम तरीके से हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने के आदेश दे चुके होने का बयान दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव तो बिहार के क्राइम की तुलना दिल्ली के क्राइम से ही करने लगे। दुखी बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। बिहार में सभी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है, और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज्यादा, वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। ऐसे में क्या एक पत्रकार को इंसाफ मिलेगा? साथ ही क्या पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी बिहार सरकार लेगी, जैसा कि मांग की जा रही है? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।